अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम माय उर्दू वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आपको नादरा वायरसेस के बारे में तफसील से बताया जाएगा। नादरा वायरसेस क्या है, नादरा वायरसेस किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्या नादरा वायरसेस की कोई ऐप है या नहीं, इन तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में तफसील से दिया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको इस चैनल पर आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। नादरा वायरसेस, टर्म वायरसेस दो अल्फाज की जमा है। वेरी निकला है वेरिफिकेशन से और सिस निकला है सिस्टम से, यानी नादरा वायरसेस का मतलब है नादरा वेरिफिकेशन सिस्टम। नादरा वायरसेस का बुनियादी मकसद नादरा के तमाम टाइप्स के आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करना है। नादरा वायरसेस नादरा की एक पेड सर्विस है, मतलब ये सर्विस कोई भी इदारा नादरा से मतलूबा वेरिफिकेशन के बाद हासिल कर सकता है। नादरा वायरसेस ज़्यादातर बैंक्स में इस्तेमाल होती है या फिर कंपनीज़ जो अपने एम्प्लॉयज़ की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। नादरा वायरसेस सर्विस हासिल करने के लिए कोई ऑनलाइन सर्विस मौजूद नहीं है, ना ही नादरा वायरसेस की कोई ऑफिशियल वेबसाइट है। नादरा वायरसेस के बारे में मुख्तसर सी मालूमात आप नादरा की ऑफिशियल वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। नादरा वायरसेस एक वेब बेस्ड सर्विस है जिसके ज़रिए आप अपने मतलूबा यूज़र अकाउंट से लॉगिन होकर किसी भी नादरा आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन हासिल कर सकते हैं। इस सर्विस में नादरा आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करने के चार्जेस होते हैं जो कि आपको मंथली बिल की सूरत में अदा करना होता है। नादरा आपसे एग्रीमेंट के मुताबिक कार्ड की वेरिफिकेशन की फ़ीस आपके अकाउंट से डिटेक्ट करता है, जिसका मंथली बिल आपको हर महीने रिसीव होगा। नादरा वायरसेस में वेरिफिकेशन दो तरह से होती है, टैक्स वेरिफिकेशन और दूसरा विजुअल वेरिफिकेशन। टैक्स वेरिफिकेशन में जब आप नादरा वायरसेस के थ्रू किसी आईडी कार्ड की वेरिफिकेशन करते हैं तो आपको टैक्स की सूरत में मुकम्मल मालूमात स्क्रीन पे मौसूल हो जाती है, जबकि विजुअल वेरिफिकेशन में आपको नादरा का पूरा आईडी कार्ड स्क्रीन पे शो हो जाता है। अगर आपको नादरा वायरसेस की सहूलत हासिल करनी है तो आपको नादरा की हेल्पलाइन पे राबता करना होगा। नादरा की हेल्पलाइन का नंबर है 051-111-786-100 या मोबाइल से आप 7000 पे डायल करें। अब मैं आपको बहुत अहम मालूमात देने वाला हूँ, वो है नादरा वायरसेस ऐप के बारे में। क्या नादरा वायरसेस की कोई ऐप है? जी नहीं, नादरा ने नादरा वायरसेस के नाम से कोई ऐप्स लॉन्च नहीं की है। इस वक्त गूगल प्ले स्टोर में नादरा वायरसेस के नाम से एक फेक एप्लीकेशन मौजूद है जो कि लोगों को बेवकूफ़ बना के पैसे बटोर रही है। ये स्क्रीन पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि नादरा वायरसेस के नाम से जो फेक एप्लीकेशन मौजूद है इसमें ना तो कहीं भी नादरा की ऑफिशियल ईमेल आईडी मौजूद है और ना ही नादरा का मुकम्मल नाम दर्ज है। नादरा की ऑफिशियली सिर्फ एक ही ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद है जो कि नादरा ऐप के नाम से है। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी लिखा है। नादरा की ऑफिशियल ईमेल आईडी nadra.gov.pk के नाम से लिखी हुई है। नादरा वायरसेस के नाम से ये फेक ऐप बहुत से लोगों को अब तक चीट कर चुकी है। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई भी ऐप्स आप इंस्टॉल ना करें, और अगर आपको ऐसी कोई भी सर्विस दरकार है तो पहले आप नादरा की हेल्पलाइन पे कॉल करके कंफर्म करें कि क्या नादरा ने ऑफिशियली ऐसी कोई ऐप्स लॉन्च की है या नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मज़ीद बेहतर वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।